मुस्लिम देशों की बैठक में पहुंचा अमेरिका, हो गई भयंकर बहस। इधर 4 लाख करोड़ की डील हुई साइन। यूएई भारत की ऐतिहासिक डील से घबरा गया कतर। अब कतर को ऐसे सबक सिखाएगा भारत। दोस्तों, अब इजराइल हमास जंग को रुकवाने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अरब देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक जॉर्डन की राजधानी अमान में की। इस बैठक में जहां अरब देशों ने गाजा में तत्काल संघर्ष विराम की बात कही, तो वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने साफ कर दिया कि वह इस मांग का समर्थन नहीं करता। हालांकि एंटनी ब्लिंकन ने मानवीय आधार पर कुछ समय के लिए युद्ध को रोके जाने की वकालत जरूर की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि संघर्ष विराम का हमास फायदा उठा सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि इजराइल को आत्मरक्षा करने का हक है, लेकिन नागरिकों को बचाने के लिए हर संभव उपाय किए जाने चाहिए। वहीं इस बैठक में जॉर्डन के विदेश मंत्री ने इजराइल पर फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाया और साथ ही यह भी कहा कि आत्मरक्षा के नाम पर निर्दोषों की हत्या की इजाजत नहीं दी जा सकती। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और अरब देशों में जिन बातों पर सहमति बनी, उसमें गाजा में मानवीय सहायता बहाल करना, नागरिकों की सुरक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय सहायता कानून का पालन करना शामिल है। ऐसे में जॉर्डन और सभी अरब देश मानते हैं कि यह युद्ध एक अपराध है जिसे हम पूरी ताकत से रोकेंगे, और इसलिए अरब देश तत्काल युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं और निर्दोषों की होने वाली हत्या और इससे होने वाले नुकसान को तुरंत रोका जाना चाहिए, और युद्ध को वह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि उनका मानना है कि इजराइल नरसंहार कर रहा है और आम नागरिकों की हत्या कर रहा है और यहां तक कि अस्पताल और मस्जिदों को भी तबाह कर रहा है, जो सही नहीं ठहराया जा सकता। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में हुई इस बैठक में मिस्र के विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया, और इसलिए मिस्र ने साफ तौर पर कहा कि एक तरफ आप इजराइल को युद्ध विराम नहीं कह रहे हैं और दूसरी ओर शांति की बात कर रहे हैं, यह कैसे संभव हो सकता है। बता दें कि अरब देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री इजराइल में थे, जहां उन्होंने नेतन्याहू को संघर्ष विराम के लिए राजी करने की कोशिश की थी, लेकिन इजराइल के पीएम इसके लिए तैयार नहीं। इसके बाद अमेरिका मुस्लिम देशों के सामने उतर आया है, तो वहीं दूसरी तरफ यूएई ने अब भारत के साथ इतनी बड़ी डील की है जिसने कतर को हैरान कर दिया है और भारत विरोधी देश के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है। जी हां दोस्तों, यूएई ने भारत में $50 बिलियन की निवेश की घोषणा करके चीन और कतर जैसे देशों को हैरत में डाल दिया है। आपको बता दें कि यूएई ने लगभग 4 लाख करोड़ रुपए भारत में निवेश करने की अनाउंसमेंट की है, और माना जा रहा है कि यूएई अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत में $50 अरब का निवेश कर देगा, और इस निवेश के जरिए यूएई भारत के साथ मिलकर स्पेस, डिफेंस, ग्रीन एनर्जी, रेलवे और सॉफ्टवेयर के फील्ड में काम करेगा, और इसके तहत भारत यूएई को आत्मरक्षा के लिए कुछ मिसाइलें भी मुहैया कराने वाला है, जिसका इस्तेमाल करके यूएई अपनी सरहदों की रक्षा कर सकेगा। ऐसे में भारत सरकार ने कतर के दुश्मन यूएई को अपना दोस्त बनकर कतर को बीच में फंसा दिया है। इसके अलावा यूएई भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग भी कर चुका है और अब यूएई लगातार भारत में अपना निवेश बढ़ाता जा रहा है। इसके अलावा भारत कतर के साथ हो सकता है कि कोई डील ना करे और कतर के साथ भारत की जो पहले से डील है वह भी कैंसिल हो सकती है, क्योंकि कतर ने जिस तरह से भारत को बदनाम किया है और भारत के सैनिकों को अपने देश में जॉब देकर उन्हें फांसी की सजा सुनाई है, उससे भारत की बदनामी हुई है, जिसके बाद यह एक्शन ले सकता है कि उससे अब भविष्य में ऐसी कोई डील न करे और पुरानी डील भी तोड़ सकता है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। भारत के बाद ब्रिटेन ने चीन को रगड़ा। यूपीआई का किंग बना भारत, चीन अमेरिका ने पकड़ा माथा। दोस्तों, भारत के बाद ब्रिटेन ने चीन को अच्छे से धोया और उसकी असली औकात दिखा दी। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में हुए शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन ने जिस तरह से चीन की बेइज्जती की वह सच में देखने लायक थी। दरअसल हाल ही में ब्रिटेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें दुनिया भर के कई देशों ने हिस्सा लिया था, लेकिन चीन की बेइज्जती तब हुई जब ब्रिटेन ने उसे विकसित और विकासशील देशों में अंतर बता दिया और आपराधिक हैंडशेक या पारिवारिक तस्वीर से बाहर कर दिया।
हो सकता है ब्रिटेन ने ऐसा इसलिए किया हो क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सबसे ज्यादा खतरा दुनिया भर के देशों को चीन से ही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चीन को समान विचारधारा वाले प्रतिभागियों में भी शामिल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से चीन काफी गुस्सा हो गया और वो दूसरे दिन की बैठक में शामिल नहीं हुआ। पहले दिन तो चीन बैठक में पहुंचा था, लेकिन उस दिन चीन के साथ जो सुलूक हुआ उसके बाद वे दूसरे दिन भी बैठक में नहीं पहुंचा, क्योंकि इन दो दिनों में ब्रिटेन ने चीन की भयंकर बेइज्जती का जिम्मा उठाया था, जिस पर चीन का कहना था कि चीन ने ब्रिटेन द्वारा समान विचारधारा वाले प्रतिभागियों की लिस्ट में शामिल न होने और पारिवारिक के तस्वीर में शामिल नहीं होने के बावजूद यूनाइटेड किंगडम आई शिखर सम्मेलन में भाग लिया। हालांकि दूसरे दिन बैठक में ना आने पर ब्रिटेन ने सवाल खड़े किए कि चीन बैठक में मौजूद क्यों नहीं था। ऐसे में चीन ने सफाई देते हुए कहा कि दूसरे दिन की बैठक के बारे में चीन को पहले सूचना नहीं दी गई थी। आपको बता दें कि शिखर सम्मेलन में चीन की उपस्थिति को लेकर खुद ब्रिटेन ने सवाल खड़े कर दिए थे और कहा था कि चीनी प्रतिनिधियों के लिए AI शिखर सम्मेलन के कुछ सत्रों में भाग लेना उचित नहीं है, क्योंकि कुछ सेशन हैं जिनमें हम अपने जैसे विचार वाले देशों के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए यह उचित नहीं होगा कि चीन इसमें शामिल हो। ऐसे में अगले दिन इस बैठक में न शामिल होकर चीन ने साफ तौर पर दिखा दिया कि ब्रिटेन के व्यवहार से चीन को कितनी बेइज्जती महसूस हुई है। तो दूसरी तरफ भारत अब UPI का किंग बन गया है और इस सेक्टर में भारत ने अब ऐसी बाजी मारी है जिसने चीन और अमेरिका तक के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल भारत की UPI तकनीक से प्रभावित होकर अब दुनिया भर के कई बड़े देश भारत से तकनीक लेने को इच्छुक है, क्योंकि हाल ही में अक्टूबर महीने में UPI ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया और अक्टूबर में अब तक का सबसे ज्यादा UPI ट्रांजेक्शन हुआ है। बता दें कि अक्टूबर में UPI से 1,141 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए हैं और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी महीने में UPI ट्रांजेक्शन की संख्या 1,100 करोड़ के पार चली गई। इससे पहले सितंबर में 1,056 करोड़ के UPI ट्रांजेक्शन हुए थे और यह लगातार तीसरा महीना है जब UPI ट्रांजेक्शन ने 1,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है। रुपए के हिसाब से देखा जाए तो अक्टूबर में 17.16 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजेक्शन हुए, जबकि सितंबर में UPI से 15.8 लाख करोड़ के UPI ट्रांजेक्शन हुए। 40 सितंबर के मुकाबले UPI ट्रांजेक्शन वैल्यू में 8% बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि दुनिया भर में भारत ही इकलौता देश है जहां इतने बड़े पैमाने पर UPI यानी कि डिजिटल माध्यम से पेमेंट होती है और दुनिया के बड़े बड़े देश इस मामले में भारत के सामने कहीं नहीं टिकते। यहां तक कि विदेशों में भी अब भारतीय UPI का जलवा है और अब दुनिया भर के 17 देश भारतीय UPI से पेमेंट लेते हैं।